हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जिसे लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं पुलवामा हमले को लेकर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जोश में कहीं अपना होश न खो बैठे। मैं जानता हूँ कि पुलवामा में जो भी हुआ उसके बाद गुस्सा उबल रहा है। ये कायरता का बेशर्मी भरा कृत्य है और इससे सबसे संभव कठोर तरीके से निपटा जाना चाहिए। शत्रुघ्न ने आगे कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमसे हिंसा के इस उन्मादी कृत्य का मुंह तोड़ जवाब देने का वादा किया है। हमें गुस्से में आकर जवाब नहीं देना चाहिए। हम सभी भारतीय घायल और चोट खाए हुए हैं। हमें कुछ और करने से पहले अपने अगले कदम के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, पुलवामा हमले पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा बिना सिद्धू का नाम लिए उन्हें एक बड़ी हिदायत दे डाली है। शत्रुघ्न ने सिद्धू को लेकर कहा कि किसी को भी कुछ कहने को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। भारतीय जनता अमन पसंद आवाजें नहीं सुनना चाहती। भारत इस वक्त बहुत गुस्से में है। बता दें कि सेनेगल ने जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल काजी राशिद को मार गिराया है। इसी के साथ देश ने पुलवामा हमले का पहला बदला ले लिया है।
हेलो भारत माता की जय। आप लोग सब शांति बनाए रखिए। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वीर गौरव। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जिसे लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं पुलवामा हमले को लेकर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, 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 पाकिस्तान, 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 इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, हाफिज सईद, हाफिज सईद, जनरल बाजवा, जनरल बाजवा, जनरल बाजवा, जनरल बाजवा, जनरल बाजवा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। देर में प्रोग्राम शुरू होगा और हमारे स्टार अमिताभ बच्चन और बैठ जाए। वो अपने देश के जवानों के साथ है। ऐसा सब तोड़ देंगे ये लोग। आप लोग रुक जाइए, तोड़ने का समय दिया जाएगा, जलाने का भी समय दिया जाएगा। फिलहाल फिलहाल सब